नमस्कार, कबड्डी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा चैन होल्ड के बारे में, कितने प्रकार की चैन होल्ड होती है, कैसे उसको करते हैं। ये एक डिफेंसिव एडवांस स्किल है। टाइप्स ऑफ चैन होल्ड, चैन होल्ड कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की चैन होल्ड होती है। एक जो चैन होल्ड है सेम स्टैंड चैन होल्ड, एक हो गया हमारा रनिंग चैन होल्ड, जो हम रनिंग करके आगे जाते हैं तो रनिंग चैन होल्ड। एक होता है फॉलोइंग चैन होल्ड, जैसे हम किसी राइडर को पीछे से फॉलो करके आते, तो तीन प्रकार का चैन होल्ड होता है। तो आज हम सीखेंगे चैन होल्ड के बारे में, पहले डेमो करेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे, उसके बाद उसको पार्टनर के साथ टीम वर्क करके भी दिखाएंगे। तो आइए चलिए सीखते हैं चैन होल्ड। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टैंड चैन होल्ड, होल्ड कॉर्नर का खिलाड़ी, सेंटर का खिलाड़ी और कॉर्नर का खिलाड़ी दोनों चैन होल्ड कर सकते हैं, दोनों चैन होल्ड करते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम जब चैन होल्ड करके, अभी मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, उसके बाद मुकैलिज्म जो होता है तरीका वो आपको बताऊँगा। फर्स्ट सिर्फ डेमो, आपको नेचुरल राइट जैसे आप मारते हो खेलना है, पूरा अंदर से आना है। चैन होल्ड सेम स्टैंड चैन होल्ड, हम आगे नजारे, हम पीछे भी नहीं, यहाँ खड़े हैं, ऑन द स्पॉट राइडर आ गया, चैन होल्ड कर देंगे, अंदर ले लेंगे, ठीक है। राइडर अंदर ज़्यादा उधर खेल रहा है, अंदर जा रहा है, तो हम दौड़ के लेके जाएंगे, चैन ब्लॉक करेंगे। दीजिए रनिंग चैन होल्ड, आगे जाके राइडर समझ लो स्पॉट को, हेल्पर को किक कर रहा है या ज़्यादा डीपली जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम उसको फॉलोइंग चैन होल्ड करते हैं। दिस इज ए फॉलोइंग चैन होल्ड, फॉलोइंग चैन होल्ड, राइडर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, चैन होल्ड करेंगे। ये यहाँ भी हो सकती है और ये स्पोर्ट को हम राइडर के पीछे, इधर राइडर रुक जाना थोड़ा आगे चल के, स्टॉप, चल स्टॉप, यहाँ भी हो सकती है। ये ज़्यादातर हैवी राइडर जो हो, वजन ज़्यादा है, उसको हम यूज करते हैं, तो अगर हम सिंगल जाएंगे तो फोर्स, और डबल में जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाती है, इसलिए फॉलोइंग चैन। रेडर ज़्यादा अंदर चला गया डीपली उसमें, उस टाइम पे फॉलोइंग चैन, रेडर यहाँ पे किक कर रहा है, निकल रहा है, फॉलोइंग चैन हमारा सक्सेस रहता है। तो आपको डेमो थी, अभी हम आपको बोल दूँ फॉलोइंग चैन, रनिंग चैन, सेम स्टैंड चैन आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है, पहले सिखा रखा है। तो कबड्डी अड्डा में हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा मकसद और बच्चे जो देखें वो इससे सीख सकें कि कैसे चैन होल्ड हम सीख सकते हैं, किस प्रकार से करना है, क्या इसका मुकैलिज्म है, तरीका है। तो हम आपको बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट एक एक चीज़ उसको समझाएंगे। डिफेंस का थ्री जोन होता है, राइट जोन, दिस इज ए राइट जोन, दिस इज ए सेंटर जोन, राइट कोर, लेफ्ट कोर, सेंटर मैन चैन, दिस इज ए लेफ्ट जोन। ये डिफेंस का बेसिक जोन है, राइट जोन, लेफ्ट जोन, सेंटर जोन। तो चैन कौन कौन ट्राई कर सकता है, चैन राइट जोन भी लगा सकता है, लेफ्ट जोन भी लगा सकता है, सेंटर जोन भी लगा सकता है। राइट साइड का राइडर होगा तो राइट कवर और राइट कॉर्नर चैन लगाएंगे, जो सेम स्टैंड चैन एंड रनिंग चैन। लेफ्ट कॉर्नर उस समय में फॉलोइंग चैन लगा सकता है, जब लेफ्ट साइड का राइडर होगा तो उस टाइम में लेफ्ट कवर, सेम स्टैंड चैन, रनिंग चैन लगा सकता है। इसी प्रकार लेफ्ट कॉर्नर सेम स्टैंड चैन एंड रनिंग चैन लगा सकता है, और राइट कॉर्नर उस समय में फॉलोइंग चैन लगा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सीखते हैं बिल्कुल बारीकी से, कैसे हमारी नी होनी चाहिए, किस पोजिशन में हमारा अपर बॉडी रहना चाहिए, कैसे हमारे चैन पकड़ना है, कितने प्रकार से हम चैन पकड़ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा।